आप अपने पार्टनर को कभी भी अकेला महसूस ना होने दें। साथ में इतना टाइम बिता चुके हैं कि अपने आप ही समझने लगे हैं सामने वाले। वो है अपने ऊपर खुद पर फोकस करना। वो कौन सी आदतें हैं, कौन सी चीज है जिससे प्यार ज्यादा मजबूत होता है, बढ़ता है और गहरा होता है, आज जानेंगे इसी बारे में। ये वीडियो ना सिर्फ आपके लिए देखना जरूरी है बल्कि अपने पार्टनर को भी जरूर दिखाइएगा ताकि वो भी इन चीजों को समझे और वो भी एफर्ट लगाए। इससे आप दोनों का जो प्यार है वो 100 गुना बढ़ जाएगा बहुत जल्दी। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए माय फ्रेंड, सबसे पहले ना जो चीज आपको समझनी है अपने रिश्ते में वो ये कि केयर उस चिड़िया का नाम है जो सबका मन मोह लेती है। मीन टू से आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा कम प्यार करेंगे चलेगा, बट केयर में कमी मत कीजिएगा। केयर हर किसी को बहुत अच्छी लगती है। किसको अच्छा नहीं लगता कि सामने वाला हमारी फिक्र करे, वो ध्यान रखे कि हमें कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारे परिवार में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं बीमार तो नहीं हूं, अगर हूं तो मैंने खाना खाया नहीं खाया, मेडिसिन लेकर आई। ये चीजें का जब ख्याल कोई इंसान रखता है ना तो वो समवेयर दिल में जगह बनाने लगता है, उसकी जगह मजबूत होने लगती है और इस केयर से प्यार बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। सो जो केयर है ना ये बहुत जरूरी होती है एक रिश्ते में। मेक श्योर कि आप अपने पार्टनर को कभी भी अकेला महसूस ना होने दें, खास करके तब जब उसकी लाइफ में कोई बुरा टाइम है, वो बीमार है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उस टाइम पर अपने पार्टनर के लिए हमेशा खड़े रहना और उसे ये फील करवाना कि आप हैं, आप हमेशा हैं। अपने एफर्ट्स दिखाना, अपनी प्रेजेंस को महसूस करवाना बहुत जरूरी है। जब आप ऐसा करेंगे ना आप देखेंगे कि आपका पार्टनर आपको पहले से कहीं ज्यादा चाहने लगा है। हर वक्त फोन करके आई लव यू कहने से कुछ नहीं होता, दिखाना जरूरी होता है उस प्यार को। और प्यार दिखाने का जो तरीका है वो है केयर करना। जब आप किसी को केयर करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, तो उस परवाह में आपका प्यार दिखता है और इस वजह से सामने वाले का दिल भी आपसे ज्यादा गहरे तरीके से जुड़ने लग जाता है। सो केयर होनी चाहिए एक रिश्ते में, ना सिर्फ आपकी तरफ से बल्कि उसके तरफ से। और ये आपको बहस नहीं करनी है कि वो केयर नहीं करता मैं क्यों करूं। आप कीजिए, जब आप केयर करेंगे, जब आप परवाह करेंगे तो सामने से वो चीजें अपने आप ही बढ़ती चली जाएंगी। सो मेक श्योर कि आप अपने पार्टनर को खास करके जरूरत के टाइम पर अकेला महसूस ना होने दें। सेकेंड चीज जो बहुत ज्यादा मैटर करती है एक रिश्ते में, जिसकी वजह से प्यार कभी कभी खत्म भी हो जाता है अगर ये चीज ना हो तो, वो क्या है, वो है अंडरस्टैंडिंग। देखिए आप अपने पार्टनर को कितना भी क्यों ना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो कि किसी ने ना किया, बट अंडरस्टैंडिंग आप में 0% है, आप उसको समझते नहीं है। उसकी जरूरतों को, उसकी आदत को, उसकी नीड को आप नहीं समझते। वो इंसान आपके साथ में कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, आप कितना भी प्यार कर लो, कितना भी पैसा लुटा लो, कितना भी उसके आगे पीछे दौड़ लो, वो कभी भी आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट जितना भी प्यार होगा ना वक्त के साथ में खत्म होता चला जाएगा। और उसी तरीके से जब आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं तो उसका जो प्यार है ना वो वक्त के साथ में बढ़ता चला जाता है। वो यू तो अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, अपने पार्टनर को समझना बहुत जरूरी है। समझना क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। समझना क्या है, समझना ये है कि आपका पार्टनर किस नेचर का है, वो किस बिहेवियर का है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या ना पसंद है, उसे गुस्सा कब आता है, वो कब चिढ़ता है, उसे खुश कैसे करना है, उसे क्या चीजें अच्छी लगती है, आप में उसे क्या पसंद है, उसका दिल कैसे जीतना है, ये सब चीजें जो नेचर का हिस्सा है वो आपको समझना पड़ेगा। और मैनी टाइम लोग क्या सोचते हैं, उनको लगता है कि हाँ पूछ लो कि भाई एक बात बता, तुझे खाने में क्या पसंद है, तेरा फेवरेट कलर कौन सा है,
और तेरी फेवरेट गेम कौन सी है और तुझे कब गुस्सा आता है, ऐसे क्वेश्चन आप पूछते हो, आपका पार्टनर आपको आंसर देता है और आपको लगता है मैं तो सब कुछ जान गया। इसे जानना नहीं कहते, ये तो सरफेस चीजें, ऊपरी चीजें हैं, यू नो, बहुत ऊपरी लेवल की चीजें हैं, इसको जानना नहीं कहेंगे। इस जान पहचान से आपका प्यार नहीं बढ़ेगा। जानना कहते हैं जब आप किसी इंसान के साथ में रहते हुए उसके बिना बताए अपनी ऑब्जर्वेशन से उसको समझते हैं, और ये जान पहचान, ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है वक्त बिताने के साथ। जितना ज्यादा आप वक्त बिताएंगे, जितना ज्यादा आप साथ में रहेंगे, वैसे वैसे आप सामने वाले को अपने आप ही समझने लग जाते हैं। उसे देख कर, उसके साथ में रहकर ये चीजें पूछने वाली नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी इसमें से वो चीजें हैं जो हम खुद नहीं जानते हमारे बारे में। एक दोस्त अपने बेस्ट फ्रेंड को इतने अच्छे समझता है कि उसे पता होता है कि उसका फ्रेंड इस समय क्या कर रहा होगा, उसे क्या पसंद है, उसे कौन सी चीज अच्छी लगेगी, उसे पता होता है कि मैं क्या कह दूंगा कि इसको गुस्सा आ जाएगा। एक फ्रेंड अपने फ्रेंड को बहुत अच्छे से जानता है। क्या वो लोग इन बातों को डिस्कस करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। वो पूछते नहीं है कि तुझे गुस्सा कब आता है, नहीं, वो साथ में इतना टाइम बिता चुके हैं कि अपने आप ही समझने लगे हैं सामने वाले को, उसके नेचर को, उसके बिहेवियर को, वो अंडरस्टैंडिंग अपने आप ही हो गई है। इस वजह से वो एक दूसरे को हैंडल करना भी जान जाते हैं। एक को पता होता है दूसरे को कब गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा आ रहा है तो उसे हैंडल कैसे करना है, इसे पता है कि इसका नेचर कैसा है, इसे कैसे हैंडल करना है। तो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब एक उदास होता है ना, तो दूसरा बिना कहे समझ जाता है कि सामने वाला उदास है। इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, कि बिना कहे समझ जाना उसके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, वो कब परेशान है। और ये बातें करके नहीं आएगा, ये वक्त बिता कर आएगा। और जब दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपका रिश्ता, आपका प्यार बहुत गहरा होने लगता है। जो इंसान हमें समझता है ना, वही इंसान हमें खुश रख सकता है। जिसे हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो क्या खुश रखे। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी चीज है एक रिश्ते में प्यार बढ़ाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए। आई एम श्योर आपने अपनी लाइफ में ऐसे कुछ कपल्स जरूर देखे होंगे जो किसी को प्यार तो करते हैं लेकिन उसके बाद भी ब्रेकअप कर लेते हैं, क्योंकि उनको अपने पार्टनर से सिर्फ एक शिकायत होती है कि यार वो मुझे समझता नहीं है, मैं बोलती कुछ हूँ उसको सुनाई कुछ देता है, वो अंडरस्टैंड नहीं करता मुझे। तो जो इंसान आपको नहीं समझेगा ना, उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्यार में, प्यार से ज्यादा जरूरी अंडरस्टैंडिंग होती है। जब अंडरस्टैंडिंग होती है दो लोगों के बीच में, तो प्यार अपने आप ही बढ़ता चला जाता है, 10 गुना 100 गुना बढ़ जाता है। फिर आपका पार्टनर आपके बिना रह नहीं पाता। तो इसको बिल्डअप कीजिए, ये बहुत जरूरी चीज है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता इन अ रिलेशनशिप। थर्ड चीज जो आपके पार्टनर में होनी चाहिए और आप में होना चाहिए, तभी आपका प्यार बहुत ज्यादा बढ़ेगा, वो मजबूत होगा, वो क्या है, वो है अपने ऊपर, खुद पर फोकस करना बजाय अपने पार्टनर के। आपने ना ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे जहां पर दो लोग हैं जो सेम लेवल पर हैं, उसमें से एक इंसान अपना लेवल बढ़ा लेता है, पहला वाला पीछे रह गया, दूसरा वाला आगे बढ़ गया, वो बहुत टॉप पर पहुंच गया। उसके बाद वो इंसान पहले वाले को छोड़ देता है। सभी केसेस में नहीं, बट ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। क्यों? किसी मुकाम पर पहुंचने के बाद इसे लगता है कि वो इंसान मेरे लायक नहीं है, और जो पीछे रह जाता है वो ज्यादा प्यार में पागल हो जाता है। देखिए, इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पार्टनर में कोई बात हो, हमारा पार्टनर ऐसा हो ना कि लोगों को पसंद आ जाए, वो बहुत हैंडसम होना चाहिए, उसमें कोई बात होनी चाहिए, वो अच्छी जॉब करता हो, कमाता हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, इतना अट्रैक्टिव कि हम प्राउड कर पाए कि ये मेरा लाइफ पार्टनर। जब आप अपने पार्टनर के बारे में लोगों को बताते हुए प्राउड फील करते हैं ना, बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हैं, तो यकीन मानिए वहां पर प्यार बढ़ता है। जहां पर आप
का पार्टनर इस तरीके का होता है कि आप उसके बारे में किसी को बता नहीं सकते, वहां पर प्यार कम होता है। इसको मैं और ज्यादा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये बता सकती हूँ कि अपना लेवल आप ऊंचा कीजिए, अपने पार्टनर पर नहीं फोकस करो कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, नहीं उसे छोड़ो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी क्वालिटीज, अपनी एजुकेशन, अपनी स्टडी, अपना रुतबा, अपनी हैसियत, उसको बढ़ाओ। जब आपका रुतबा बढ़ेगा ना, आपका पार्टनर आपके पीछे अपने आप ही पागल होता चला जाएगा। वो आपके पीछे इतना दीवाना हो जाएगा कि आपके अलावा किसी के बारे में सोच नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आप में कोई बात दिखेगी ना, वैसे वैसे वो जो आपका पार्टनर है ना, वो प्राउड फील करेगा कि आप उसके पार्टनर हो। और जब हम अपने पार्टनर के लिए ये प्राउड फीलिंग रखते हैं ना, तो हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, हम उससे इतना गहरा जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है कि ये सिर्फ हमारे पास होना चाहिए, किसी और के पास भी नहीं। यही चीज आपके पार्टनर को भी समझनी है कि वो 24 घंटे आपके आगे पीछे ना घूमे, वो भी अपने ऊपर काम करे, अपने ऊपर मेहनत करे। आपने ऐसे कपल्स देखे होंगे जो दोनों ही अपने रुतबे में कहीं पहुंच चुके हैं, पैसा है, नेम है, फेम है, वो लोग बहुत खुश हैं। क्यों? वो दोनों बहुत प्राउड करते हैं अपने पार्टनर के बारे में बताने में कि देखो ये मेरा पार्टनर है। तो जो प्राउड होता है ना, वो प्यार को बढ़ाता है, उस प्यार को गहरा करता है। वो प्राउड कब आएगा? जब आप अपने आप को उस लेवल पर लेकर चले जाएंगे। देखिए, आप एक बहुत ही छोटी सी 5-6 हज़ार की जॉब करते हैं, आपको एक लड़की बहुत प्यार करती है, ठीक है, बट आप माने या ना माने, वक्त के साथ में जैसे ही उसकी जिंदगी में ऐसा लड़का आएगा अरेंज मैरिज के लिए जो खुद 50 हज़ार कमाता, तो आपको छोड़ने से पहले सोचेगी नहीं। बट जब आप उस 5-10 हज़ार की जॉब से मेहनत करते करते उस जगह पर पहुंच जाए जहां खुद आप लाखों कमाते हो, उसके बाद उसके लिए खुद ऐसा लड़का आएगा ना, तो वो आपके लिए ही पागल है, क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, वो लायक है, वो आपके अलावा किसी के लिए नहीं सोच पाएगी, वो अपने घर में लड़ जाएगी आपसे शादी करने के लिए। ये पैसे के लिए पागलपन नहीं है, इस चीज को आप समझिए, ये एक प्राउड है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, वो लायक है, वो काबिल है, उसे आपके अंदर काबिलियत दिख रही है। तो ये चीजें किसी के प्यार को बढ़ाती हैं, आपको जोड़ती हैं, और ये सिर्फ एक लड़की के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में भी है कि आपकी गर्लफ्रेंड है जो बहुत ही झिल्ली सी है, बहुत ठीक ठाक सी दिखती है, आप कुछ अपने लुक्स पे थोड़ी सी भी एफर्ट नहीं लगाती, ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, छोटी मोटी जॉब करती है, आप बहुत पागल है। बट अगर आपके लिए एक ऐसी लड़की का रिश्ता आ जाए जो कमाल की ब्यूटीफुल हो, बहुत खूबसूरत है, एजुकेटेड है, देख कर ही आप अट्रैक्ट हो जाएंगे, आप भी अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत जल्दी छोड़ देंगे उस लड़की के लिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है, उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई दिख रहा है आपको, ये तो बिल्कुल झल्ली है, ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो जरूरी है आप दोनों के लिए कि अपना स्टेटस, अपना रुतबा बढ़ाए, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर मेहनत करें। जब आप ऐसा करते हैं, अपने आप को ऊपर ले जाते हैं, जो प्यार होता है बीच का, वो अपने आप ही गहरा होने लगता है, वो डेवलप होने लगता है। उसके लिए अपने पार्टनर को पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसको आप फ्री छोड़ दीजिए उसकी जिंदगी में, आप भी फ्री रहिए, प्यार होगा वो कहीं नहीं जाएगा, वो गहरा ही होता चला जाएगा। होप मैं इन तीनों चीजों को अच्छे से आपको क्लियर कर पाई। यकीन मानिए, अगर आपके रिश्ते में ये तीनों चीजें हैं ना, तो ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं टूटेगा। बट एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखिए कि अपने पार्टनर की इज्जत करना कभी मत छोड़ना। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मैं तो 30 मार खा बन गया हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं, और अपनी गर्लफ्रेंड को आप जूती पे रख रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे, प्यार नहीं दिखा रहे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो आपके साथ में रहेगी? वो नहीं रहेगी। इन सब चीजों के साथ में अपने पार्टनर की इज्जत करना बहुत जरूरी है, इसे इग्नोर मत करना। बाकी आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए, आप देखिए आप दोनों के बीच का प्यार कितना ज्यादा गहरा हो जाए, आपका पार्टनर आपके बिना रह नहीं पाए। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा।
नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।